अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, होश कैल दिनेस। मेरा नाम है अलीना जान और आज मैं आप लोगों के साथ एक और रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आप अफ्तार में अपने घर वालों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जिसका नाम है काठियावाड़ी छोले, काठियावाड़ी चाट। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये लिए हैं मैंने छोले, चने, और इनको जो है मैंने पूरी रात जो है वो मैंने भिगोया था, पानी में भिगो के रखा था, और सुबह मैंने जो है इसको बॉईल कर लिया और इसमें मैंने नमक भी ऐड किया था। और इसका जो पानी है चनों का वो मैंने जो है फेंका नहीं बल्कि इसी में रहने दिया, और इसके जो पानी में जायका होता है इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया, मतलब नहीं फेंका। उसके बाद जाएगा इमली का गूदा, इसमें जाएगी लाल मिर्च, नमक और हल्दी। लाल मिर्च और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन अदरक, जिसे मैंने कूट लिया है, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। चाट मसाला, कॉर्नफ्लावर भी जाएगा इसमें। अब गार्निशिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है पापड़ी, ये भी मैंने घर पे ही बनाई है, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। अब चलते हैं इसे बनाना किस तरह से है। तो अब हम इन चनों को पकाएंगे। इसमें लहसुन अदरक जो था जो मैंने कूट के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी और 10 मिनट तक मैं इस पानी को बॉयल होने दूंगी। तो इसको जो है अब 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगी इमली का गूदा। इमली के गूदे के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले जो थे हमारे, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। ये मसाले आप कम ज़्यादा अपनी टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब फिर हम इसको 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 3 टीस्पून जो है वो मैंने कॉर्नफ्लावर के डाले हैं, और इसमें पानी ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर का जो पेस्ट हमने बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको तब तक हिलाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो हमारी चाट जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें अपने ऐड करेंगे प्याज जो मैंने काट के रखे थे, टमाटर, हरी मिर्च, और चूल्हा जो है हम बंद कर देंगे। हमारी चाट जो है वो रेडी है। इसके बाद मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। चाट मसाला आप चाहें तो पकाते वक्त भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में हमेशा डालती हूँ। तो काठियावाड़ी चाट जो है उसे गर्म गर्म सर्व किया जाता है और मुझे तो ये चाट जो है वो वाकई बहुत पसंद है। मैं और मेरी फ्रेंड जो है हम दोनों ने ये चाट जो है वो बहुत खाई है। तो बहरहाल ये थी काठियावाड़ी चाट की रेसिपी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।